तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको आप सोच रहे होंगे कि मेरी हालत क्यों है कि मैं अभी सोने से सो के उठाऊँ। तो आज हमारा स्कूल का प्रोग्राम है, तो अभी मुझे नींद आई हुई है, तो जल्दी से मैं फ्रेश होता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ कि हम स्कूल किस लिए जा रहे हैं। तो चलो। हाँ जी, तो मैं अब आ गया हूँ। अभी अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी आया मुझे अभी नींद नहीं आ रही। अब सोच रहे हो कि और तो तैयार हो गया, लेकिन बाल इसलिए मैंने नहीं कंघी है क्योंकि मेरे बालों का तो आपको पता है, मेरे बालों में हर टाइम बम पटा होता है। तो मैं इस तरह नीचे करता हूँ कि थोड़े से स्ट्रेट हो जाए, ये स्ट्रेट भी हो जाते हैं, सही है। और आज मैं स्कूल किस लिए जा रहा हूँ और व्लॉग किस लिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 13 अगस्त है और 14 अगस्त को छुट्टी होगी, तो स्कूल वाले 14 अगस्त को आज ही मना रहे हैं, तो आज बहुत मज़ा आएगा हमें। तो हम भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैं और रियान हम कलाम पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे पढ़ेंगे या कहेंगे मुझे नहीं पता वो सब, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आने वाला है हम सबको, क्योंकि उसमें बहुत से वो क्या होता है भूल गया मैं सब कुछ, वही बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, आपको तो पता होगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने फ्लैग नहीं लगाया, तो फ्लैग स्कूल में ही मैं ख़रीदूँगा, फ्लैग की बैज। यार मुझे नींद आई हुई थी तो फिर मैं इस तरह मुँह से इधर उधर निकल जाता है थोड़ा, समझ रहे हो। तो बैज भी मैं स्कूल में ले लूँगा, फिर लगा लूँगा इधर। तो चलो अभी चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। आज हम बैग्स भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि स्कूल में तो कुछ काम होगा नहीं, समझ रहे हो ना। यार आज हमारे घर के हालात देख सकते हो, कितना प्यारा है, सुबह का टाइम है, और ब्रूनो को देखो ना। आपको एक बात बता दो सर, यार आपने एक बात मेरी नोटिस नहीं की, यार कपड़े मेरे नहीं है यार, भाई के नए कपड़े हैं यार, देख सकते हो ना यार देख सकते हो, मैं शो ऑफ नहीं करता। हाँ तो मैं अभी जैसे ही मैंने कपड़े बदले तो ब्रूनो मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, तो ये हमें चलान कर लगाता है। मैंने ब्रूनो का क्या करूँ, नए कपड़े मैंने पहने भी गंदे हो जाएंगे, तो फिर कौन जिम्मेदार हो गया। और ब्रूनो तो अभी खफा बैठा है उधर। यही बैठा है। हाँ मैंने भी कहा कि कपड़े नए हैं यार, क्या कर। तो अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, आपको भी नाश्ता दिखाता हूँ। हाँ तो अभी चलते हैं, हाँ नाश्ता तो रेडी पड़ा है, नाइस है, तभी देखेंगे क्या क्या है। हाँ यार मुझे ये बादाम बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो रात से रखते हैं ना, ये जब रात को पानी में रखते हैं तो ये फिर जब सुबह खाते हैं इसको, तो फिर मम्मा ने कहा कि माइंड क्लियर होता है, तो मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, ये क्रब करते हैं। और इसमें आहा पराठा, वाह भाई वाह। और उसमें क्या, ओ भाई किसको वो क्या कहते हैं, टिक्की, आहा तो भी जल्दी से खाते हैं यार, मुझे सब्र नहीं हो रहा। ये साहब भी आ गया, मैं भी रेडी हो गया, आज स्कूल के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। इतना भारी चीज पकड़ हुआ होता है। आज जुम्मा है तो सूरह काफ और अल्लाह मसल्ले जरूर पढ़ने। तो ये रियान स्कूल के रास्ते से जा रहे हैं, तो अभी स्कूल गए बस, पास में ही है, हम नीचे उतरते हैं फिर जाते हैं, चलो जाते हैं स्कूल। तो फाइनली हम स्कूल में आ गए और स्कूल के माहौल कुछ इस तरह है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, एंट्रेंस ही है, ये एंट्रेंस है। इसको जगह
मैंने अपने हाथ को भी डेकोरेट कर लिया है और ये हमारे वासिफ भाई है मेरे फ्रेंड है ये और बाकी स्कूल का आप देख सकते हो काफ़ी चेयर्स लगाए हैं और बच्चे काफ़ी वो खुश है बहुत ज़्यादा और अभी ये स्टेज को भी डेकोरेट किया जा रहा है। अरे मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वो परफॉर्मेंस करूँगा, कलाम करूँगा तो ये। और हाँ, ये हमारे स्कूल का ग्राउंड है, ये इसमें हम फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। तो अभी सीधा आपको क्या बोलते हैं कलाम के पास ले जाता हूँ, हम कलाम पढ़ेंगे। तो ये जगह हमारी प्रैक्टिस की है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर हम प्रैक्टिस करेंगे। जिसने जबान दी मुझे, दिल दिया मुझे, जान दी वो जबान जैसे ना चला सके, वो दिल जैसे ना मना सके, वो इजाज़ जैसे ना लगा सके। कभी मिन तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के मैं पिला के बुलाए, तुझे दर्द दू तू ना सह सके, तुझे दू जुबान तू ना कह सके, तुझे दू मकान तू ना रह सके, तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा बनूं, किसी गर्ज के मैं सिवा दूं, तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं, तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं, हम मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर, तेरे एक होने में शक नहीं मेरी नीयत को तू साफ कर, तेरे शान में भी कमी नहीं मेरे इस कलाम को तुम माफ कर, मेरे इस कलाम को तुम माफ कर, पाकिस्तान जिंदाबाद शादाबाद। प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गया तो प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा था, स्कूल ने हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा बनाया प्रोग्राम, अच्छा बहुत अच्छा किया। हाँ तो अभी सीधा चलते घर। तो फाइनली मैं हमारे घर के सामने आ गया हूँ, हमारे घर बस ऊपर ही है। तो गाड़ी वाले ने हमें नीचे छोड़ दिया क्योंकि वो कोस्टर है तो ऊपर नहीं आ सकती। बाकी यार फंक्शन तो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यार मैं इतना बोल्ड नहीं हूँ, मैं जब कलाम पढ़ रहा था मेरे पाँव इस तरह हो रहे थे। ये तो आगे घर नज़दीक है, चलो चलते हैं घर।